दर्शकों नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। कराची एयर स्पेस 3 दिन के लिए बंद। पाकिस्तान ने कराची एयर स्पेस को अगले 3 दिन के लिए बंद कर दिया है। इमरान सरकार के इस फैसले के बाद कराची एयर स्पेस पर किसी भी देश के विमानों को उड़ाने की इजाजत नहीं होगी। राहुल गांधी के बयान के आधार पर पाकिस्तान ने यूएन को लिखी चिट्ठी। पाकिस्तान की मानवाधिकार मामलों की मंत्री शीरिन माजरी ने अपनी चिट्ठी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र किया है। राहुल ने पिछले दिनों बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर में लोग मर रहे हैं और माजरी ने इसका हवाला अपनी चिट्ठी में दिया है। अदालत ने जॉनसन एंड जॉनसन पर लगाया 41 अरब रुपए का जुर्माना। अदालत ने यह जुर्माना नशीली दवाओं के इस्तेमाल से जुड़े उपायुक्त संकट मामले में लगाया है। अफीम से बनने वाली दर्द निवारक दवाओं को ओपायुड कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग इसका नशे के लिए प्रयोग करते हैं। पाकिस्तानी सेना के दखल से परेशान अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने अपनी सीमाओं पर पाकिस्तानी सेना द्वारा नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए यूएन से मदद की गुहार लगाई है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।